क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि अनिता इस वक्त कहाँ मिलेगी? मुझे नहीं पता। पानी, पानी। हर माँ की तरह मैंने भी तो बस अपने बेटे का घर बसाने का सपना देखा था। तुम तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन मेरे पहले पति को इतना प्यारा नहीं लगता था। मैं कोई पहली बार सुहागरात थोड़ी मना रही हूँ। मेरे चेहरे पे निशान देख रहे हैं आप? एसिड फेंक के मारा था, तो फिर क्या करता? बेटा तुम क्या कहते हो, मुझे ना कुछ बातें सही नहीं लग रही है। अजीब लोग हैं, पहले मारते हैं फिर पूछते हैं क्या हुआ है। तू चला जा उसके साथ बेटा, वरना सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इसको तलाक दे दूंगा। कितनी निर्दयी माँ है, अपने बच्चे पर भी दया नहीं आई उसको। मैं बुरी नहीं हूँ, किस्मत ने मेरे साथ बुरा किया है। राजन कितने दिन हो गए तू अपने माँ से मिलने नहीं आया? अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, वक्त ही नहीं मिलता। अबे वो दो कौड़ी के आदमी, तू नहीं छोड़ सकता मुझे। मैं उस घर में नहीं जाऊँगा माँ। राजन मेरे बेटा। सच्चाई उगलवाने के और भी रास्ते हैं मेरे पास। पानी। 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 अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा हमको डर लग रहा है। अम्मा जल्दी आओ। अम्मा अम्मा वो अम्मा वो राजन। हर माँ की तरह मैंने भी तो बस अपने बेटे का घर बसाने का सपना देखा था। घर के आंगन में बेटे का वंश बढ़ता फूलता देखने का लालच था, पर ये नहीं जानती थी कि बेटे को सुखी देखने का ये लालच ये दिन दिखाएगा। कौन सा है? यहाँ से सीधा फिर आगे से राइट जाइए। जी। अरे भैया मकान नंबर 2 में ताला लगा हुआ है, आपको पता ही ये लोग कहाँ गए?
चले गए। कहाँ गए होंगे? अरे अम्मा, नाश्ता लगा दो, देर हो रही है। और अम्मा टिफिन भी लगा देना, दोपहर में नहीं आऊंगा मैं। आई बेटा, ये लो बेटा। आओ अम्मा बैठो। बेटा जब भी देखो काम काम, कभी जिंदगी पर भी तो थोड़ा ध्यान दे। बेटा शादी कब करेगा? अम्मा 35 साल का हो गया हूँ, प्यून की छोटी सी नौकरी है, ना जमीन है ना जायदाद है। आप खुद बताओ कौन लड़की शादी करेगी मुझसे? बेटा सुन, ये लड़कियों में से कोई तुझे क्या पसंद आ रही है देख। माँ ये तो हीरोइन जैसी लग रही है, लेकिन ये शादी करेगी मुझसे? मना भी नहीं करेगी, रिश्ता खुद सामने से चल कर आया है। पता है ये शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। किस सोच में पड़ गया है? तलाकशुदा है इसलिए? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ कर रही है गुजारिशें ये बारिशें, मौसम की है ये सिफारिशें ये बारिशें, है इश्क की नुमाइशें ये बारिशें। इनको भी ना अभी टपकना था, इतना अच्छा वीडियो बन रहा था। मुझे अनीता से जरूरी बात करनी है। हाँ पापा बोलो ना। तो बेटा क्या सोचा तुमने राजन से शादी करने के लिए? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। है क्या उसके पास? वो खाली एक प्यून है, ना पैसा कमाता है ना सूरत शक्ल है। अरे बेटा तुम समझो, बेटा शादी एक समझौता है, तुम्हारा तो एक बच्चा भी है, ऐसे में कौन अपनाएगा तुझे? माना कि वो प्यून है पर दिल का बहुत अच्छा आदमी है। अब हमारी उम्र भी जा रही है, मेरे बात कौन ख्याल रखेगा तेरा? ठीक है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो वही सही, जैसे यहाँ पड़ी हुई हूँ वैसे वहां सही। अरे ऐसे काहे बोल रही है? यहाँ जैसे खुलकर जीती है वैसे वहां पर भी जी लेना, इसमें हर्ज ही क्या है? और हाँ, वो लोग देखने आ भी रहे हैं, ये लड़के की फोटो है। अरे बेटा ये सब क्यों, यहाँ आओ मेरे पास। तुम तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो, पर एक बात बोलूं, भले ही हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, तुम्हें खूब खुश रखेंगे। कहाँ तक पढ़ी हो? जी 12वीं तक। अच्छा, सिलाई बुनाई आती है? जी नहीं, बस खाना बनाना आता है और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, वो तुम्हें मैं सिखा दूंगी।
ये हर्ष है, अनीता का बेटा है। बेटा यहाँ आओ, आ जाओ बेटा। कितना प्यारा बच्चा है। लेकिन मेरे पहले पति को इतना प्यारा नहीं लगता था, उन्हें तो लड़की चाहिए थी, ना दे सकी इसीलिए तलाक दे दिया। चलो बेटा चलें। बस बहन जी, बेटी के घर बस जाए, बच्चे के बाप का प्यार मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो क्यों रहे हो, चोट कैसे लगी? माँ ने धक्का मारा। आप लोग भी क्या बच्चों की बातों में आ जाते हैं, सारा दिन घर में धमाचौकड़ी मचाता रहता है और जरा सा डांट दो तो ऐसे ही शिकायत करता है। क्या हर्ष, चल अंदर। क्या बोलते हो बेटा, तुम क्या कहते हो, हाँ कर दूं या जांच पड़ताल करवाऊं? आखिर तलाक हुआ क्यों था? क्योंकि बेटा मुझे ना कुछ बातें सही नहीं लग रही है। लड़की के लिए कोई तलाक क्यों देगा? अम्मा ससुराल में पूछताछ करके क्या फायदा होगा बताओ, वो अपनी गलती मानेंगे नहीं मानेंगे? बेचारी को कितना परेशान किया है आप देख ही रही हो। आप टेंशन मत लो, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, ज्यादा मत सोचो आप, चलो। कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा, सुबह से मुंह दिखाई करवा करवा के मेरा मुंह थक गया है। मैं कब से सोच रही थी कि तुम कब आओगे और दरवाजा कब बंद होगा, और मैं ये भारी भरकम गहने और कपड़े फेंकूंगी उतार के। और ये कितना छोटा कमरा है तुम्हारा, कितना सारा सामान भर के रखा है तुमने, मेरा तो दम घुट रहा है। तुम कैसे रहते हो यहाँ पे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, पलटो पलटो बाबा, मुझे कपड़े बदलने हैं, चलो। अब जाके थोड़ा चैन मिला, इतने भारी भरकम कपड़े पता नहीं कैसे पहन लेते हैं लोग। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आज बहुत अच्छी लग रही हो। ये गद्दा कितना कड़क है, और ये तकिया कितना सख्त है। ये शादी करने की इतनी ही जल्दी थी तो कम से कम ढंग का बिस्तर तो बना लेते, ना घर बनाया ना कुछ, एक कमरा है उसको भी गोदाम बना के रखा है, इतना सामान क्यों ठूस के रखा है तुमने।
मैंने कहा था बाबूजी से मेरी शादी मत कराओ इस, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। मैं तो जानती थी मेरी तुम्हारे साथ एक नहीं बनने वाली। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे, पता नहीं तुम कैसे रहते हो, एसी तक नहीं लगवा रखा है। इतनी बदबू आ रही, यहां तो कोई जानवर भी नहीं रह सकता, पता नहीं मैं यहां कैसे रहूंगी। क्या हुआ बेटा? होना क्या है, अपने लाडले से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ राजन? माँ वो गद्दा ना पुराना हो गया है, चुभ रहा है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम ये वाला गद्दा ले जाओ। हाँ नहीं, मैं बच्चे के साथ नहीं सो सकती। पहले इसको पैदा करने के लिए जागी, फिर पेट में रखने के लिए जागी, फिर इसको बड़ा करने के लिए जागी, अब नहीं जागने वाली मैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं अंदर चली जाती हूँ, तुम लोग यहाँ सो जाओ बस। नहीं नहीं मम्मी जी, आप कहीं मत जाइए। आप चली जाएंगी तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि बहू ने आते ही सास का बिस्तरा उठवा दिया। अच्छा ठीक है, मैं बच्चे को लेके जाता हूँ। हाँ लेकिन बेटा आज तुम दोनों की सुहागरात है, और ऐसे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कोई पहली बार सुहागरात थोड़ी मना रही हूँ, जब गद्दा और तकिया आ जाएगा तो सुहागरात भी हो जाएगी। चलिए सो जाइए। अम्मा समझ में नहीं आता ये क्या चाहती है। साफ साफ बोल तो रही है कि उसे अलग घर में जाकर रहना है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, मैं इसको तलाक दे दूंगा। अजीब लोग हैं, पहले मारते और फिर पूछते हैं क्या हुआ है। कितने दिन हो गए तू अपने माँ से मिलने नहीं आया। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, वक्त ही नहीं मिलता। जो तुम्हें करना है ना वो कर लेना, ठीक है। अबे वो दो कौड़ी के आदमी, तू नहीं छोड़ सकता मुझे। हमारे रिश्ते में कोई किसी को छोड़ेगा ना वो मैं हूँ। ये सब मेरा ही किया धरा है ना, मैं तुझे शादी करने के लिए जबरदस्ती करती ना ही आज तेरी ऐसी हालत होती।